नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने के दावे से एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी गई, कोर्ट ने एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया और जिस स्थान पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसे सील कर दिया गया है। वो स्थान है वजू का स्थान, जहां पर वजू की जाती थी। डीएम ने तत्काल प्रभाव से वजू करने पर रोक लगा दी है। वहां पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। हिंदू पक्ष ने यह दावा उस समय किया जब सुबह सर्वे चल रहा था और सर्वे के बीच वजू में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें शिवलिंग मिलने की बात सामने आई। कहते हैं कि जैसे ही शिवलिंग मिला वहीं पर हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे, एक अभूतपूर्व हंगामा हो गया और तुरंत हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बाहर आकर के कहा बाबा मिल गए हैं, बाबा के दर्शन हो गए हैं, बाबा का अवतार हो गया है, हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से कहेंगे कि बाबा को सुरक्षित किया जाए, और सीधे कोर्ट चले गए। कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दी और एप्लीकेशन दे करके कहा कि बाबा मिल गए हैं और इसे सुरक्षित कर दिया जाए। तत्काल ऑर्डर हुआ, ऑर्डर में शिवलिंग मिलने का जिक्र किया गया और उसके बाद आदेश किए गए कि उस स्थान को सील कर दिया जाए जहां पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, वहां पर आने जाने पर रोक लगा दी जाए। ठीक उसी आदेश पर प्रशासन सक्रिय हो गया, वजू पर रोक लगा दी गई, सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया और वहां पर किसी प्रकार के आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। जब यह खबर सामने आई तो निश्चित तौर पर एक अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया हिंदू पक्ष में, प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। सबसे पहले हमारे डिप्टी सीएम केशव देव मौर्य ने कहा कि सत्य की ही जीत होती है, एक ना एक दिन सत्य सामने आता है, सत्य ही शिव है, जय बाबा की, हर हर महादेव। ये है केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सबसे पहले आया, इससे हिंदुओं में एक नई ऊर्जा का फिर संचार हो गया। लेकिन इसके विपरीत दूसरी प्रतिक्रिया भी आ गई। महबूबा मुफ्ती ने साफ शब्दों में कहा मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही हैं, अब इन्हें तो मस्जिद में भगवान दिखाई देते हैं। महबूबा मुफ्ती का ये बयान आया और इसके पहले ओवैसी का बयान आ चुका है, जिस बयान में ओवैसी ने कहा बाबरी तो छीन ली गई है लेकिन ज्ञान वापी नहीं छीनने देंगे। लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। इसी बीच मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई सर्वे के खिलाफ और ये कहा जा रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ कल दोपहर में सुनवाई भी करेंगे। सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की गई है, पहले भी याचिका दायर की गई थी, उस समय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि तत्काल रोक नहीं लगाई जा सकती है, पहले मुझे पढ़ने दीजिए। और उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामला चला गया है और कहा यह जा रहा है
कि अब इस पर कल सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद में भी आज सुनवाई की चर्चा है। वहां पर भी मस्जिद कमेटी ने एक याचिका दायर कर रखी है, उस पर भी क्या होता है देखने की बात है। लेकिन जो तय प्रक्रिया चल रही है ज्ञानवापी सर्वे की, उसके अनुसार कल दोपहर 12 बजे जो एडवोकेट कमिश्नर है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि क्या क्या सर्वे में मिला है। इसमें दस्तावेज भी होंगे, इसमें रिकॉर्ड भी होंगे, इनमें फोटोग्राफ्स भी होंगे, वीडियो की क्लिप्स भी होंगी और जगह जगह लिए गए जो विभिन्न तरीकों के साक्ष्य हैं वो भी शामिल होंगे। तो कल 12 बजे रिपोर्ट होगी। अब इसको लेकर भी चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि बादी पक्ष अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, बाबा जरूर मिल गए हैं। तो ये भी संभव है कि एक बार फिर सर्वे करने की बात की जा सके। ये भी संभव है कि जो मस्जिद कमेटी है वो इस बात की मांग करे कि पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण करे। तो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और शालिनी प्रसाद और साथ में अजय प्रताप इसकी जांच कर चुके हैं। अब देखना ये है कि कल की रिपोर्ट में कोर्ट का क्या आदेश होता है। तो कल एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी और रिपोर्ट पूरी तरीके से गोपनीय है। जहां तक बाबा के मिलने का सवाल है, मतलब शिवलिंग मिलने का सवाल है, उसमें मुस्लिम पक्ष ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि कोई शिवलिंग नहीं मिला है। हिंदू पक्ष ने भले ही दावा किया है, लेकिन सच बात तो यह है कि मुस्लिम पक्ष ने इसको इनकार कर दिया है। परस्पर विरोधी दावे, एक कह रहा मिला है शिवलिंग, दूसरा कह रहा नहीं मिला। और सारा झगड़ा शिवलिंग का है कि बाबा विश्वेश्वर की शिवलिंग थी और उस शिवलिंग को उखाड़ करके कुएं में डाल दिया गया था, उसी के मिलने का दावा किया गया है। कहते हैं यह शिवलिंग 12.8 फीट व्यास की है, काले रंग की है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं नहीं ये काले रंग का एक पत्थर है। जब डीएम से पूछा गया कि ये बताइए ये जो शिवलिंग मिला है जिसके लिए सारा झगड़ा चल रहा था, सारा विवाद चल रहा था, आपका क्या कहना है, तो डीएम कौशल राज किशोर ने साफ शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि जो ये दावा किया जा रहा है ये निजी दावा हो सकता। और ये कह करके वो उन्होंने कहा इस पर कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि सच बात तो ये है कि रिपोर्ट के बारे में मीडिया को या किसी को भी कोई जानकारी नहीं देनी थी। तो डीएम ने भी कहा कि हो सकता है किसी निजी दावा हो और ये कह करके वो चले गए। लेकिन कोर्ट के आदेश पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से वजू स्थान जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उसे पूरी तरीके से सील करा दिया और वजू करने पर रोक भी लगा दी है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएम और कमिश्नर पुलिस को दी गई है कि वो सुरक्षा में, इसीलिए वहां पर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है ताकि वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जाए। मतलब ये है कि सीधे तौर पर अभी दावे, परस्पर विरोधी दावे, प्रशासन का पक्ष, सील किया जाना स्थान, ये सब अपने आप में पहले से ही कहा जा रहा था। हिंदू पक्ष बड़ा उत्साहित था, कह रहा था वहां पर कलश मिल रहे हैं, स्वास्तिक मिल रहे हैं, ओम के चिन्ह मिल रहे हैं, श्रृंगार गौरी का जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर मूर्तियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर पानी का स्थान मिल रहा है, सब कुछ ये कहा जा रहा था।
लेकिन जो सबसे बड़ा सबूत आज आया तो वो सबूत सीधा सीधा शिवलिंग मिलने का, क्योंकि बराबर यही बात कही जा रही थी कि शिवलिंग को हटा करके कुएं में डाल दिया गया और बाबरी मस्जिद की तरीके से एक वहां पर मस्जिद खड़ी कर दी गई, उसका नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद भी रहा। तो ये बात बार बार की जा रही है और इसको लेकर के राजनीति भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो गई है। सारे पक्ष अपनी अपनी तैयारी करने में लगे हैं। देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सिविल कोर्ट से क्या आदेश होता है, कौन पक्ष क्या बात करता है। हालांकि अब ये माना जा रहा है जो विधिक पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसलिए संभव है कि जो निचली अदालतें हैं माने हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, वहां पर सुनवाई रुक जाए या फिर कोई रोक लग जाए। लेकिन प्रार्थना पत्र दिया गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। अब कल इस मामले पर बहुत ही हॉट दिन रहेगा, जब कोर्ट के फैसले आएंगे, कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी जो विवाद था वो विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और जो एक सबसे बड़ा विवादित बिंदु था शिवलिंग, जिसके मिलने की बात बराबर हो रही थी, वो प्राप्त कर लिया गया। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारी प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया, लेकिन कुछ लोगों ने आकर के लीक कर दिया और उनमें एक आरपी सिंह अधिवक्ता थे जो इस कमेटी के मेंबर थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से आज सर्वे से बाहर कर दिया गया। उनका गया कि आरपी सिंह यहाँ की बात को लीक कर रहे हैं, इसीलिए जो भी पक्षकार थे चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सब एक ही बात कहते थे, बड़े सौहार्दपूर्ण में बातचीत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से सर्वे हो रहा है, सभी लोगों का सहयोग हो रहा है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, दोनों पक्ष सहयोग कर रहे हैं, सब लोग एक ही बात करते थे। लेकिन दावे आ जाते थे कि साहब वहाँ पर ये भी मिल रहा है कलश पर, और दावों का तरीका भी क्या था। अब देखिए एक वकील साहब थे जो आज अंगूठा बार बार दिखा रहे थे, अंगूठा मैंने जीत का दावे का कि बस मिल गया सब कुछ। वहीं दूसरी ओर आरपी सिंह को तो इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सूचना लीक की और आज उन्हें नहीं जाने दिया गया। बहरहाल गहमा गहमी का माहौल वाराणसी में अब भी बना हुआ है और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि अब कोई ना कोई निर्णय आएगा और कोई ना कोई निर्णय आकर के दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। निश्चित रूप से यह एक लंबे समय का विवाद का पटाक्षेप भी होगा। वहीं दूसरी ओर ताजमहल के 22 कमरों को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जिसके लिए याचिका दायर की गई थी, आज पुरातत्व विभाग ने उन 22 कमरों का चित्र जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया, गूगल पर डाल दिया, कहा देख लीजिए ये है वो 22 कमरे और इनमें किसी को कोई शक है तो अपने शक को दूर कर ले। अब ये 22 कमरों का जो चित्र आया ये कब का चित्र है, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया। तो सीधे सीधे ये चित्र उस समय के हैं जब 22 कमरों की मरम्मत की गई, वहां पर पेंटिंग की गई, वहां पर पुताई की गई, जिस पर 6 लाख रुपए का खर्च आया था। ये हम नहीं कह रहे, पुरातत्व विभाग कह रहा। तो पुरातत्व विभाग ने आज 22 कमरों का वो फोटोस भी जारी कर दिए हैं और ये फोटोज ये सिद्ध कर रहे हैं पूरी तरीके से कि अब जो है
ताजमहल में कोई भी शख्स हुआ नहीं रहना चाहिए। लेकिन दावेदार तो अपनी बात कह रहे हैं, वो पुरातत्व विभाग को नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, इसके पीछे तो शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर को लेकर के विवाद खड़े हो गए हैं। और ये शिव मंदिर की बात कहाँ से आई थी? मैंने आपको बताया था कि यह शिव मंदिर की बात एक इतिहासकार पीएन ओक ने किया था। बताते हैं कि पीएन ओक छोटी छोटी किताबें लिख दिया करते थे। कभी उन्होंने लिख दिया कि ताजमहल के अंदर शिव मंदिर है, कभी लक्ष्मण झूला को लेकर के लिख दिया, कभी दूसरी बात, छोटी छोटी किताबें लिख दिया करते थे। और बहुत से लोग उनको तवज्जो देते थे, बहुत से लोग नहीं देते थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने विदेशी ब्रिटिश के बारे में भी लिख डाला। तो जब इस बात को लिखा तो उस समय के जो चर्चित स्तंभकार थे खुशेव और खुशवंत सिंह, जिनको खुशेव भी कहा जाता था आपसी बोलचाल में, खुशवंत सिंह ने एक लेख लिखा और उस लेख में पीएन ओक को जम करके फटकार लगाई। उनका हद हो गई है, अब बंद करो ये सब, अब तुम अपनी सीमाओं को लांघ रहे हो, ये भी कहा गया। ऐसा भी इतिहास में वर्णन है। लेकिन दावेदार अपने ढंग से कर रहे हैं। ताजमहल के बारे में ये बात सामने भी आ चुकी है कि जयपुर की रानी ने ये दावा किया है कि ये जमीन हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की थी, जिसे शाहजहां को दिया गया था। और ये भी दावा हो रहा है कि इस जमीन के बदले में चार जो महल थे वो दिए गए थे, हवेलियां दी गई थी। तो सीधे सीधे तौर पर ये बात सामने आ रही है कि चाहे ताजमहल का विवाद हो, चाहे ज्ञानवापी का विवाद हो, यह विवाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि इसका पटाक्षेप कैसे होता है। लेकिन एक बात तो ध्यान रखिए, पटाक्षेप यूं ही होने वाला नहीं है। अब तो बात सामने आएगी और अब पहले तो ये तय करेगी कोर्ट कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है ये वास्तव में वही है या कोई और है। अब इसकी जांच पड़ताल कैसे होती है, इसकी सत्यता कैसे आकी जाती है, ये भी एक देखने की बात होगी। क्योंकि दावे तो लोग करेंगे ही और जो मस्जिद पक्ष है वो उसको नकारेगा भी, लेकिन कोर्ट इस पर कैसे फैसला लेगी ये भी एक अहम बिंदु है। कैसे जांचा जाएगा ये भी एक विचारणीय बिंदु है जिस पर हमें देखना होगा कि क्या होता है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसलिए ये बात भी तय हो गई है कि अब निचली कोर्ट से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जो है फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। लाख दावे किए जाए, लाख जो है विरोध किया जाए, लाख किसी चीज को नकारा जाए, लेकिन अब इस पक्ष को सीधे सीधे तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। ये अपने में एक अहम बात है और ये अपने में एक देखने की भी बात है। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की यात्रा से ड्रैगन को चौकन्ना कर दिया। प्रधानमंत्री की जिस तरीके से यात्रा गरिमापूर्ण रही, शानदार रही, उत्साहजनक रही और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चीनी निवेश वाले हवाई अड्डे पर उतरने से इनकार कर दिया, जिसका आज ही उद्घाटन प्रधानमंत्री देवा ने किया है, उससे वास्तव में चीन को एक झटका लगा और नेपाल को भी बता दिया गया कि ध्यान रखना
हमारे आपके प्रगाढ़ संबंध हैं, लेकिन चीन बीच में नहीं आएगा। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ा संदेश दे दिया और इस संदेश के अनेक माने हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री नेपाल जाते हैं, माया मंदिर में दर्शन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लीन हो जाते हैं, द्विपक्षीय वार्ता करते हैं प्रधानमंत्री से और एक नए आयाम स्थापित करते हैं। पिछले दिनों निश्चित रूप से भारत और नेपाल के बीच में कुछ कड़वाहट सी आ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता से पहले ही इसको एक किनारे कर दिया और आज तो एक नया रिश्तों का अध्याय शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री चाहे देश हो चाहे विदेश हो, सब पर पैनी नजर रख रहे हैं। राज्यों और खासतौर से अपने बीजेपी शासित राज्यों पर उनकी पैनी नजर है कि उनका कामकाज कैसे चल रहा है। अगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है निश्चित रूप से, और वो सरकारी कामकाज की समीक्षा भी कर। आज यूपी की बारी है। नेपाल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री 3 घंटे तक लखनऊ में रहेंगे, मुख्यमंत्री के 5 कालीदास मार्ग में मंत्रियों की बैठक लेंगे और बैठक में जानेंगे कि क्या हो रहा है, क्या किया 100 दिन में, आगे की क्या भूमिका है, क्या सक्रियता है। हाथ पे तो हाथ धरे बैठे नहीं हो, जनता के क्या सवालात हैं उनमें संबोधन भी देंगे और दिशा भी देंगे। इसके मतलब प्रधानमंत्री की एक सघन निगरानी भी है और ये जो समीक्षा आज होगी इससे भी निश्चित तौर पर राज्य सरकार को एक नई गति मिलेगी। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।